Alaikum dear students hope you are all fine for last, last couple of days we have been discussing diagrammatic presentation of data and in the diagrammatic presentation we have been discussing bar diagrams the previous lectures we have simple bar diagram then multiple bar diagram and subdivided bar diagram discussed now let's today move to the discussion of the percentage bar diagram ये वो डायग्राम्स होती हैं जो साइमोल्टेनियसली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वैल्यूज ए सेट ऑफ डेटा प्रेजेंट करते, राइट? शो साइमल्टेनियसली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए सेट ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इस तरह की बार डायग्राम्स को कंपोनेंट बार डायग्राम्स भी कहा जाता है and these diagrams are used to highlight the relative importance of various component parts of the whole here the total value indicated by total length of bars is assumed to be 100 because we take it percent as percent each part thereof is shown as a part of the 100 which i will show you in the diagram

because when the values are of high magnitude some parts of the bar may look very small compared to the others wide differences in parts of the bars makes comparison difficult the percentage distribution of the bars in such cases should certainly be a better mode of presenting the data right so to have बेटर अंडरस्टेंडिंग ऑफ दर्सेंटेज्राम्स एंड एन एलिट्रेशन फर्स्ट देखिए ये चीज़ एलिस्ट्रेट करने के लिए हमारे पास एक चार्ट है टेबल है इट शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ टू फैमिलीज ऑन डिफरेंट आइटम्स एक्सपेंडिचर फूड पे होता है कलोथिंग पे रेक्रिएशन पे एजुकेशन पे रेंट एंड मिसलेनस बिस्लिनस में बाकी सब चीज़ें तो फैमिली ए कितना एक्सपेंडिचर करती है इन रुपीज एंड फैमिली बी कितना एक्सपेंडिचर करती है इट्स सेवेंटी फाइव एंड इट्स वन हंड्रेड टू एंड फिफ्टी फाइव टू रिप्रेजेंट सच अ डेटा विद द हेल्प ऑफ बार डायग्राम

एंड टोटली आप देख लीजिए हमने ये देखना है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल इज स्पेंड ऑन फूड दैट इज फोर्टी थ्री आउट ऑफ सेवेंटी फाइव कितना परसेंट बनता है टोटल का अगर आप फोटी थ्री को सेवेंटी फाइव से डिवाइड करेंगे यू विल गेट एट एंड मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड इट विल बी ऑफ द टोटल इसी तरह

टेन पॉइंट सेवन फिफ्टी सेवन टेन कितना हो गया सिक्सटी सेवन एंड वन सिक्सटी एट अभी सिक्सटी एट में फोर ऐड कीजिए सेवनटी टू सेवेंटी टू में ऐड कीजिए सिक्स पॉइंट थ्री सेवनटी एट पॉइंट सेवन नाइन्टी टू पॉइंट ज़ीरो राइट प्लस एट विल बी हंड्रेड इसका मतलब कम्युलेटिव परसेंटेज की लास्ट टर्म और टोटल बराबर होना चाहिए अब नेक्स्ट पर आइए फैमिली बी है इसका एक्सपेंडिचर क्या है एटी थ्री सेवनटीन देन टेन नाइन ट्वेंटी वन एंड फिफ्टीन अगेन इसका टोटल कितना है वन फिफ्टी फाइव परसेंटेज ऑफ टोटल कितना है एटी थ्री कितना परसेंट है वन फिफ्टी फाइव इट विल बी ऑलमोस्ट फिफ्टी थ्री पॉइंट सिक्स सेवेंटीन कितने परसेंट होगा टेन पॉइंट नाइन टेन बी सिक्स पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट एट ट्वेंटी थर्टीन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ्टी फाइव आगे बढ़ते रही फिफ्टीन भीड कीजिए इट विल बी हंड्रेड परसेंट अब आगे बढ़ी अब इसकी कॉमलेटि फ्रीक्वेंसी देखनी है इनको मल्टीपल परसेंटेज भी कॉम्बिनेट और सम आप दे प्रीवियस आइटम्स डेट इस फिफ्टी थ्री प्लस टैन हो गया सिक्सटी थ्री प्लस वन डेट सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव अब ऐड कीजिए सिक्स पॉइंट फाइव यू विल गेट सेवेन पॉइंट जीरो वन अब ऐड कीजिए फाइव पॉइंट एट यू विल गेट सेवन सेवेंटी सिक्स पॉइंट अ 100. समझ दिस इज हाउ वी द फ्रीक्वेंसी एक्सपेंडिचर द परसेंटेज ऑफ द एक्सपेंडिचर अब सिंपली याद रखना है ये हमारा एक्सपेंडिचर है अब एवरी आइटम हैज बी फाउंड परसेंटेज ऑफ द टोटल केस विद हेयर अब कम्यू परसेंटेज क्या होता है वी एड एवरी परसेंटेज पहला तो एलोन है लेकिन सेकंड में फिफ्टी फर्स्ट में सेकंड ऐड होता है अब इस टोटल में थर्ड ऐड होगा इस टोटल में ये ऐड होगा इस टोटल में ये ऐड होगा इस टोटल में वी आर एडिंग अप समिंग अप दिस तो इस तरह से हमारे पास डेटा बनती है टू बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ बार बार डायग्राम परसेंटेज डायग्राम नाउ व्हाट वी हैव हैव टू डू वी टू शो दिस टेबल डेटा विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम जिससे हम क्या कहते हैं परसेंटेज बार डायग्राम एज डाया हम एक्स एक्सिस पे फैमिली ए लेंगे और ये हमारी फैमिली बी है राइट right? तो यहाँ से हम मंथली एक्सपेंडिचर लेंगे ठीक तो हमने ये पूरा परसेंटेज हंड्रेड में से कट करना इसीलिए हम हंड्रेड तक गए अब अगर आप पहले पे आएंगे जो पहला हमारा एक्सपेंडिचर ऑन फूड है इट्स फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री तो जो हमारा पहला बार है इट्स फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री किस पे है फूड पे। अब नेक्स्ट पे आइए क्लोथिंग पे कितना हमारा टेन पॉइंट सेवन ये किस पे है कलोथिंग पे अगेन थर्ड आइटम पे आइए इट इज फोर ऑन रेक्रिएशन देन नेक्स्ट पे आइए इट इज सिक्स पॉइंट सेवन ऑन एजुकेशन नेक्स्ट पे इट्स थर्टीन पॉइंट थ्री रेंट मिसलिनियस पे हमारा कितना है इट्स एट तो इस तरह से हमारा ये परसेंटेज बार डायग्राम फॉर फैमिली कम्पलीट है अब टू दिस वी हैव टू कलर दि इन डिफरेंट वेज एक दूसरे से अलग करने के लिए इनकी शेडिंग करनी पड़ती है अलग अलग शेडिंग होनी चाहिए इट्स कंप्लीट फॉर ए लेट्स गो टू बी अब बी में हमारा जो टोटल हाइट्स फिफ्टी पॉइंट थ्री फॉर फूड फिफ्टी थ्री पॉइंट सिक्स तो जो लाइनिंग हमने इसमें की यही इसमें भी करनी बिकॉज बहुत आर सेम फूड एंड फूड अब नेक्स्ट पे आइए क्लोथिंग क्लोथिंग पे यहाँ कितना है टेन पॉइंट नाइन तो यहाँ जो कलोथिंग के लिए हमने क्रॉसिंग की सेम यहाँ पे भी होनी चाहिए फॉर फैमिली बी इट इज कलोथिंग टेन पॉइंट नाइन अब थर्ड में आइए इट सिक्स पॉइंट फाइव फॉर रेक्रिएशन तो यहाँ भी हमने रेक्रिएशन के लिए सेम लाइनिंग लगानी है रेक्रिएशन टेन पॉइंट नाइन अब नेक्स्ट में आप अलग अलग कलरिंग दे सकते हैं लिखने में भी ताकि विजिबल हो जाए अब नेक्स्ट पे आइए एजुकेशन है एजुकेशन पे कितना है यहाँ पे फाइव पॉइंट एट इसी तरह नेक्स्ट पे आइए रेंट कितना है थर्टीन पॉइंट सेवन फाइव सॉरी देन द रेमस मिसलिनस नाइन पॉइंट सेवन अब आप इजीली डिफ्रेंश कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हाउ मच एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज़ बाई फैमिली एंड हाउ मच इज बाई फैमिली बी एंड यू कैन आल्सो कंपेयर द अदर आइटम्स हेज वेल राइट दिस इज हाउ वी कन्सट्रकट अ परसेंटेज बार डायग्राम फॉर अनी सेट ऑफ़ डेटा। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट बेटर टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग यू इट इज़ बेटर फार यू टू कन्सल्टुअर बुस एंड इफ यू फाइंड अनी डिफिकल्टी कन्सल्ट मी एस एम एस मी कॉ आई एम एट युअर डिस्पोजल थैंक यू वेरी मच तो इस डायग्राम को कहते हैं हम परसेंटेज बार डायग्राम थैंक यू थैंक यू